सजना जी मैनू छ। सो हैयो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिन का वापसी हो रहा है, हर बार ये बोलते हैं लेकिन फिर वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, लेकिन दिस टाइम नॉट दिस टाइम ओके, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ये कुछ सेटअप बनाए हैं जो मेरा मोटो ब्लॉगिंग में काम आएगा, साथ में वहाँ पे दोस्त अभी फिलहाल इसका घर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद मोटो ब्लॉगिंग। सब बिजी है, मोम भी है, दोनों धीरे धीरे निकलेंगे, निकल के अभी फिलहाल तो असम जा रहे हैं तो वहाँ भी जाके मिलते हैं और एंजॉय द मोटो ब्लॉग्स। ओके सो ऑल सेट एंड ऑल रेडी वहाँ पे दोस्त, और यहाँ पे मोम लोग अभी बाय बाय करते हैं, उसके बाद वहाँ आगे है बाइक। तो फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग, लेट्स सी कैसा होता है। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस पर बहुत को देख के इंस्पायर हुआ, सो मेरा भी ट्राई करते हैं। तो फिलहाल बाइक को निकाल लेते हैं। चल चल चल, ये रास्ता को देख के एक चीज़ बोलना चाहते हैं, आ जन्म से ऐसे रास्ता चेंज होता ही नहीं, क्या ही करूँ। चलता है तो यहाँ कॉलोनी से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हाईवे मिल जाएगा, तो उसके बाद नो प्रॉब्लम। बाइक में तेल भी कम थी है तो तेल भी डालना है, तो डाल उड़ कर निकलेंगे। फिलहाल ये मेरा कॉलोनी है तो यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं है, और 4 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, उसके बाद हाईवे। काश मुझे भी पीछे के लड़की बैठाने का मौका मिलता, लड़की बैठा के चार आई एम सो जेलस। गर्लफ्रेंड कब मिलेगा, सुस्ती हो गया, बोर हो गया, सिंगल सिंगल रह रहे थे। कमेंट करना अगर आप एनीवन इज इंटरेस्टेड, अगर कोई ये वीडियो लड़की देख रही हो तो। ये गाड़ी अभी तक चलते हैं, Maruti 800 जमाना वाला गाड़ी, मेरे पिताजी के ज़माने की गाड़ी है, अभी तक चल रहे हैं। तो कहते हैं कि मारुति 3 का डब्बा बढ़ाते हैं, लेकिन चल रहा है, अभी तक चल रहा है। फिलहाल रास्ता तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब से 4 लेन बना हुआ है, लेकिन वही है चीप मटेरियल यूज़ करके वो जल्दी टूट भी जाता है। चलो राइट कहीं भी जाओ छपरी राइडर मिल जाते हैं। आई मीन इफ यू आर सीइंग दिस ब्लॉग तेरा गैंग छपरी राइडर, और आई मीन वो नहीं पता नहीं आप लोगों को शायद, तो आई मीन मेरा एक दोस्त है जो छपरी गैंग का चीफ नहीं सेफ है, सेफ वो बावर्ची बोलते हैं ना, वो खाना बनाते हैं, तो उसका गैंग का नाम छपरी राइडर है। तो वो रहा आगे डायरेक्शन पेट्रोल पम्प, तो अपना डार्लिंग को थोड़ा सा जूस पिलाते हैं, नहीं तो वो रास्ता में रुक जाएगी, उसके नहीं मानेंगी। सो लेट्स गो टू पेट्रोल पंप, पेट्रोल डाल लेते हैं। तीन सौ 300 का पेट्रोल। बेबी को जूस मिल गया, तो 4 कुत्ती भी आ गया, और क्या बोलूँ, इससे बढ़िया बात और कुछ है नहीं। तो तेल तो बहुत सारा हो गया, तो आप राइट पे निकलते हैं फिर से। आप लोग क्या एक काम करो, सिनेमेटिक्स फिर से एंजॉय करना। तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दुजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जान।
जस्ट लुक एट दिस व्यू, इतना सुंदर है। नीचे से नाला बह रहा है, तो अगर कैमरा में इतना मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन सामने आके देखोगे तो ज़्यादा मालूम चलेगा। बढ़िया सा एरिया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी है होलोंगे के बीच में, पहुँचा नहीं है तो वहाँ पे दोस्त इसी का घर जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ हाईवे तो ऑलमोस्ट नहीं पहुँचेगा, ये जैसे सामने ही है। ये देख लो यहाँ से, तो ये रहा नज़र आसाम बॉर्डर का चेक पोस्ट। यहाँ से पार होते ही थोड़ा सा आगे आसाम मिल जाएगा, तो आना चलिए यहाँ पे ख़त्म। यहाँ गार्ड ऑन ड्यूटी। सो नाउ गाइस वी आर एंटरिंग असम। तो हम यहाँ से असम घुसते हैं, ऐसा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो मोटर लगी तो मच यू गाइस एंजॉय। तो नाउ वी आर एंटरिंग गोहपुर टाउन। यहाँ से और 10 किलोमीटर है, तो अभी थोड़ा सा रोड खराब मिलने से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर लाइन का काम चल रहा है, तो अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ से जादू में है, पहुँच जाएंगे। तो शायद ब्लॉगिंग एंड करने का समय आने वाला है। तो आज जस्ट फास्ट ट्रायल था, तो इतना हो सके मतलब होना चाहिए क्या, तो आगे देखते हैं। ड्राइवर ना ड्राइवर हंसते। बीच के नीचे से जाना पड़ रहा है। इन सर्च ऑफ चिकन पहुंच गए हम लोग जंगल के अंदर। आगे जगह तो नदी है। यहाँ से सामने ये गले ले लिया, लेने के बाद सीधा जो स्ट्रेट रास्ता पे उसका घर है। पहुँचिए यहाँ पे एक्शन चल रहे हैं फिलहाल। तो धान को पता नहीं क्या कर रहे, क्या बोलते हैं इसको, ये जो धान है जितना भी धान है सबको मतलब वो चावल निकल रहे हैं। यहाँ पे अंकल आंटी लोग हैं कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी दूसरा घर का अंदर एंटर करते हैं। और जमाना वाला साइकिल हमने भी राइड किया था इसको। तो अंदर तो आ गए हैं। तो यो गाइस अभी यहाँ पे ब्लॉग का एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो इतना ही था। तो फिलहाल अभी दूसरा घर पहुँच गए, तो घर का टूर भी आराम से करेंगे। मैं तो दो तीन दिन बैठूँगा, तो वहाँ से आराम से दिखाऊँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पीस।